हाँ भाई गुरप्रीत, अच्छा लगेगा। और चैनल मेरा हाईजैक हो चुका है, कुछ भी वीडियो आएंगे इसकी जितने हैं। ये इधर जमीन से निकलता है। अच्छा जमीन से आता है, जमीन से। जय माता दी। देखिए गुरप्रीत गोलगप्पे खाते हुए। सो गाइस फाइनली हरिद्वारी पहुंच चुके हैं। गाइस सनसेट देखो कितना प्यारा हो रहा है, कि पीछे देखो मसाज कराने बैठे गरुण सर और मैं। हेलो गाइस मैं गरुण। देखिए गुरप्रीत को बेचारा दो तीन बार से बांधने की कोशिश कर रहा है, आज इससे पता नहीं क्या हो रहा है, बेचारा बार बार गलत बांध लेता है। हमारे फिलहाल 2 घंटे वेस्ट हो चुके हैं इसी चक्कर में। सो हे गाइस वेलकम विद न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज है डे 2 श्री माता वैष्णो देवी कटरा का ब्लॉग का। दोस्तों जिस दिन हम लोग रुके थे उस दिन को चेकआउट करने का टाइम आ गया, दोपहर के बज रहे हैं 2:30। हम लोग चेकआउट कर देते हैं क्योंकि गाड़ी आएगी अभी वहाँ तो बाणगंगा तक छोड़ने भी जाएंगे। सो अभी चलते हैं आगे दर्शन करने के लिए। बाकी गरुण मेरा जो फ्रेंड था गरुण वो नीचे चला गया। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया पग बांधने में और आई होप सही बंदी हो। रूम का टूर अगर तुम, ये मेन गेट है, यहाँ से एंटर होते हैं। यहाँ पर एक डबल बेड है, मिरर LED लगी है, यहाँ मिरर लगा है, ये एक वॉशरूम है बस अटैच्ड, और कुछ नहीं। लाइट बंद कर देते हैं और चलते हैं बाहर। लाओ भैया दो चुनरी। तो ये गरुण ले रहा है चुनरी, इसने लिया सिर वाली। सो भी वैन ने हमें यहाँ तक छोड़ दिया है, वैन ने हमें यहाँ तक छोड़ दिया है। अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। छोले रहे जी, छोले न्यूट्री जो को जो बोलो छोले रहे बना दो। कितने दा? 20 रुपए ना भाई। एक ही में नहीं है भैया, एक को ही दो। कितने बनाने? एक ही बना दो, मुझे पैसे ना क्योंकि। हाँ भाई गुरप्रीत, अच्छा लगेगा नहीं खाना? अरे तुमने वो वैष्णो देवी का मशहूर कुलचा खाया, कैसा था भाई टेस्ट? मशहूर कुलचा और भाई बुलाई शहर में तो मिलता नहीं है यार यू। तो हम यहाँ से जा रहे हैं अंदर। सही है भाई गुरप्रीत, सही काम ले लिया यार मैंने। चैनल तेरा और चैनल मेरा हाईजैक हो चुका है, कुछ भी वीडियो आएंगे इसकी जितने हैं। तो हम जा रहे हैं अपनी चेकिंग करवाने, यहाँ से हमारी यात्रा होगी स्टार्ट। तो अभी बात करते हैं हम 10 मिनट बाद। ऑनलाइन पर्ची कटा के और टाइम बहुत बचेगा, गरुण का टाइम मैंने बचाया। कितना घंटा तुमने खराब किया केदारनाथ में जाके? 7 बजे से बस 7 से लेकर दोपहर में 1 बजे तक दर्शन फिर भी नहीं करके आया, ट्रक्ट ही आ गया था। रजिस्ट्रेशन ना हुआ वहाँ पर? हाँ अंकल, ये ऊपर से ही आ रहा सीधा है या कहीं टंकी वंकी के थ्रू आ रहा है? ऊपर से ही आ रहा है, ऊपर से ही आ रहा है। चश्मा से आ रहा है? चश्मा। ये कहाँ पर है? ये इधर जमीन से निकलता है। अच्छा जमीन से आता है, जमीन से चश्मा इसे बोलते हैं। कहाँ से? ये जमीन से निकलता है। तो भैया फिर भी इतना तगड़ा प्रेशर कैसे है इसका जमीन से? ये अभी बारिश कम हुआ, ये कम है, जब बारिश तेज होगी बहुत ज्यादा आएगा। सारा पानी खत्म मत कर दियो, बारिश अभी कम है यहाँ पे। नहीं नहीं ये बहुत आकर आएगा, इसे बढ़ेगा और कम नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे हम जा रहे हैं लंगर, यहाँ पे चलता है गुलशन कुमार का लंगर तोड़ने जा रहे हैं भाई। कहीं यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज्यादा थी यार लंगर लाइन में, टाइम वेस्ट होता, करीबन 1-2 घंटे लग जाने थे, कोई फायदा नहीं था। बाकी लंगर 1 ग्लास का मिलता है यहाँ पे, इतना मेरे को पता है क्योंकि कई लोग आते हैं ना तो बताते हैं। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो
जय माता दी, जय माता दी। एक प्लेट दही वाले, एक प्लेट पानी वाले। दोस्तों यहाँ पे गोलगप्पे ही मिल रहे। ये देखिए अंकल जी ने हमें 10 रुपए लूट लिया है। अरे हमें चढ़ाई पर मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। किन्ने 30 दे 6 है ना? चार ने। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, आई गल। अंकल जी ने फिर 10 की मार दी। 20 के 30 के 4 है सूजी वाले और आटे के 6 है। अगर आप ऐसे दे भी आओ तो अंकल के पटाखे गोलगप्पे जरूर मांगे जाते। अंकल के नाम से आप जाओ पे पंडित जी गोलगप्पे वाले यहीं पर आना सारे। तेरे को मिठाई वाले अच्छे लगते हैं? दही वाले भाई इसलिए अच्छे नहीं लगते, वो महंगे आते हैं और कम आते हैं। आटे वाले सस्ते आते हैं। इससे ज्यादा मोटी पार्टी कोई नहीं अभी। देखिए गुरप्रीत गोलगप्पे खाते हुए। गोलगप्पे एक नंबर है यार, जरूर ट्राई करना होगा हमें। पापड़ी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। गाइस व्यू देखो कितना मस्त आ रहा है पूरा कटरा सिटी का। पुराने रास्ते का चैनल पे फर्स्ट ब्लॉग आ रहा है। वैसे मैं रास्ता नया कौन सा? नया तारा कोटा मार के। सो भाई अभी रुक गए हैं चाय पीने के लिए यहाँ पे। अरे इधर आ जा इधर। ये देखो घोड़े वाले जैसे लेके नहीं जाते यहाँ पे, वैसे लेकर जा रहे हैं साइड साइड। ऐसे घोड़े वाले साइड करवाते। अभी रहते हैं 171। ये बंदा अपना सही है, मैथमेटिक्स इसने अच्छी की है, इसके साथ ही रहना पड़ेगा। तो साथ में रहे भाई, तू बहुत जल्दी आ रहा है। थोड़ी है भाई, बहुत ज़्यादा थकान हो गई आज। तुझे ही हो रही है? मुझे ज़्यादा हो रही है, इसको नहीं हो रही उतनी। ये मेरे से पहले पहले पहुँच जा रहा है हर जगह। ये पुराने वाला जो रास्ता है ना, है तो खैर नवे वाले से सही है, लेकिन इसमें खच्चर बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग अर्धकुंवारी के बस जस्ट पास ही है, हार्डली 1 किलोमीटर होगा। सो गाइस फाइनली अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। अब टाइम हो रहा है 2:30 बजे चले थे, 6 बज गए। 6 बजे 6:45 ढाई 3:30 4:30 3 3.5 घंटे लग गए ना। आया रास्ता क्लियर कर दो चले। राजमा चावल दे दी। सो गाइस अभी लिए हमने गरुण खाएगा चावल, बाकी मैं कम खाता हूँ इसलिए मैंने एक प्लेट लिया। और क्योंकि यहाँ पे वो था नहीं पूरी पूरी ना, मैंने वो बंदा ले रहा था, चावल की ऑप्शंस थी यहाँ पे। और ये जो यहाँ का जो श्राइन बोर्ड का जो एक जो कैंपस होता है ना, यहाँ के खाने वैसे टेस्टी होते हैं काफ़ी, इस करके मैंने लिया। कैसा टेस्ट है? बेकार है? इसको अच्छा ही लगा। मैं टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कैसा है। नमक नहीं है। ये रहा पुराना रास्ता, ये है नया वाला रास्ता ताराकोट वाला। नीचे से जब आ रहे हो कटरा से अर्धकुंवारी तक पुराने रास्ते से आओ, बेटर रहेगा। देन फिर आप नए रास्ते से जा सकते हैं, वो सही रहेगा, क्योंकि फिर ऐसा अब टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि पुराना रास्ता जो है अर्धकुंवारी के बाद ज़्यादा चढ़ाई है, उसमें चढ़ना बहुत मुश्किल है। ये रास्ता है, ये रास्ता है नया वाला। सो गाइस अर्धकुंवारी से निकल चुके हैं कोटी के आसपास है भी। ये देखो इस बेवकूफ को क्या किया इसने, थम्स अप और माउंटेन ड्यू को मिला दिया। ये है जीत। और ये बना क्या दिया इसने सारे ने, ये तो देखो टेस्ट देख कितना बढ़िया आ रहा है। सारा समझ नहीं आ रहा टेस्ट, लू तो लू किसका, थम्स अप का लू या माउंटेन ड्यू का, दोनों मिक्स कर दिया एक साथ।
कंफ्यूज हो गया। अभी 2.5 किलोमीटर और है, उसके बाद पहुंचेंगे। आरती स्टार्ट हो गई है, पहुंचने पहुंचने तक आरती और सब खत्म हो जाएगी। गाइस सनसेट देखो कितना प्यारा हो रहा है। गाइस अभी 2 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर भी हम पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि चढ़ाई इतनी ज्यादा अब लग रही है ना। जैसे अभी आरती भी चल रही है, थोड़ा मन वैसे भी टूट रहा है। ऊपर जाके ये भी देखना लॉकर मिलेगा कि नहीं, और मन भी नहीं। फोटो खींच मेरी, मन कर भी रहा है चलने का। ये जबरदस्ती चला रहा है। 7:42 हो गए, निकले कितने बजे थे आपको पता ही है, टाइम देख लेना यार, मैं भी भूल गया। 3:30 के करीब निकले थे, 3:30। ये लगा हुआ स्नैपचैट पे। तो फाइनली गाइस हम पहुंचने वाले हैं, 500 मीटर पीछे पहुंच चुके हैं माता के। अभी यहाँ से पहले मुँह हाथ थोड़ा सा धो लेते हैं, इसके कहने पे, मेरे कहने पे शक्ल दिखा दो मेरी, याद देंगे, लॉकर में सामान जमा कराएंगे, फिर वहाँ से दर्शन करने के लिए जाएंगे। अभी आरती चल रही है, आरती जब तक खत्म भी हो जाएगी। प्रसाद लेने आया अभी गाइस, ये रेट लगे हुए हैं प्रसाद के। लो भैया दो प्रसाद ले लिया, चलिए को ट्राई कर लेते हैं, वरना वापस आके यहीं करा देंगे। क्योंकि सो गाइस यहाँ पे अभी लॉकर ले लिया हमने, वहाँ पे आगे तो नहीं मिला, नहीं यहाँ पे आना पड़ा दोबारा, यहीं पे आके मिला। यहाँ सामान सामान रख रहे, फोन फोन सारा कुछ, गरुण मेरा वेट कर रहा है कब इसका बकवास खत्म हो, रखे और फिर जाएं। इसका 2 गेड़े लगा दिए वहाँ पे, अभी रख के दर्शन करके दोबारा मिलता हूँ आपसे। तो अभी कोई बकवास नहीं, तो गए अभी यहाँ पे दर्शन तो कर लिया मैंने। गरुण अपनी मम्मी से बात कर रहा है अपने फ़ोन से, तो वेट कर रहा हूँ बात कर ले, फिर यहाँ से चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क सही आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं कर लिया अभी करना। तो पीछे भवन दर्शन कर लो सारे, क्यों पीछे देखो रोपवे बंद हुआ पड़ा, वरना रोपवे से ही जाने का प्रोग्राम था, इस बार भी नहीं जा पाएंगे। सो गाइस अभी आए हैं सागर रत्ना डोसा खाने, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है। गरुण को भेजा है ऑर्डर देने के लिए, तो गाइस अपना ही डोसा आ गया है, गरुण प्याले चालू हो गया, जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है सब कुछ, क्योंकि रिव्यू देना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बंदा आए तो पता तो चले। टेस्ट बता लो अंडे, टेस्ट कैसा है भे? इसको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही यहाँ पे। इसको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही है, मेरे को सही लग रहा है। भैया एक कचौरी एक समोसा 40 भैया 7 एक कचौरी एक समोसा। हाँ जी चटनी डालो। सो दोस्तों अभी लिया है कचौरी और समोसे, डोसा खा के पेट नहीं भरा था इसलिए, बाकी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ पहले। बेकार ऐसा है, तो हल्की सी लग रही है, एवरेज समोसा ये खा के बताएगा। इसको अभी तक कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई, तो इसके चक्कर मत रहना। भाई जलेबी मत खाना कभी भी, बहुत बुरी है भाई, बहुत बुरी है। दोस्तों जलेबी मत लेना कभी भी, सच्ची में बहुत बेकार टेस्ट था। वरना जले, जलेबी 100 ग्राम भी बहुत कम होती है, बंदा खाने वाला हो मेरे जैसा, बड़ी बेकार जलेबी थी बहुत ज़्यादा। सो दोस्तों अभी आ चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर, मतलब सबसे टॉप पे आ गए अब। मेरी तो हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, मतलब कि चल चल के। गरुण जो फ्रेंड है मेरा वो सही चल रहा है, मैंने
जूते उसको बाहर रखे वहीं पर बैठाया उसको, मैं जा रहा हूँ मत्था टेकने पर, फिर मैं आऊँगा फिर वो जाएगा। सो गाइस जाते जाते बहुत थकान हो गई थी, मसाज कराने बैठे गरुण सर और मैं, तू तो सिर पे करवा सकता, मैं तो सिर पे भी नहीं करवा सकता, सिर पे करवा लेना, पग बंदी हुई है ना। पैर की बस हो जाए थोड़ी सी ना, मजा ही आ जाए। दोस्तों बस इसी के साथ वीडियो करता हूँ यहीं पर, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल करें सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, और हम लोग करीबन 6 बजे करीब पहुँच गए थे कटरा सिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।